ऐसा लग रहा है कि देश में 2019 का जो लोकसभा चुनाव होना है वो हिंदू और मुसलमानों के बीच पर ही होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हिंदू मुस्लिम की राजनीति फिर से गर्म हो गई है। कल तो आजमगढ़ की रैली में पीएम मोदी ने राहुल गांधी से पूछ लिया है कि बताइए, कांग्रेस मुस्लिम पुरुषों की पार्टी है या मुस्लिम महिलाओं के बारे में भी सोचती है? मैंने अखबार में पढ़ा, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नामदार ने ये कहा कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। मोदी आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने गए तो मुद्दा उठा दिया, कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। बाकायदा इसके लिए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का उदाहरण भी पेश कर दिया। कह चुके थे, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के ये नामदार से पूछना चाहता हूं, आप कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है, आपको ठीक लगे आपको मुबारक, लेकिन ये तो बताइए कि मुसलमानों की पार्टी भी क्या सिर्फ पुरुषों की भी है कि महिलाओं की भी है? पहले जान लीजिए कि जिस आजमगढ़ में मोदी ने राहुल गांधी की कांग्रेस पर मुस्लिमों की पार्टी होने का चस्पा लगाया है, उस आजमगढ़ में 15% आबादी मुस्लिमों की है और कांग्रेस के मुस्लिम पार्टी होने का ये बयान परसों उस मीटिंग से बाहर आया जिसमें राहुल गांधी ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात की थी। कल एक उर्दू अखबार इंकलाब में खबर छपी कि राहुल गांधी ने इस बैठक में कहा है कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। खबर में लिखा है कि मुसलमानों के इल्जामात को फरामोश करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है क्योंकि मुल्क का मुसलमान कमजोर है और कांग्रेस हमेशा कमजोरों के साथ रही है। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए जद्दोजहद करने वाली कांग्रेस एक मर्तबा फिर मुल्क के मुसलमानों पर एतमाद जाहिर करते हुए पहली मर्तबा सियासी मामलों पर बातचीत के लिए मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ बैठी है। उर्दू अखबार की इस खबर के सामने आने के बाद से ही बीजेपी कांग्रेस पर हल्ला बोल रही है और कांग्रेस इसे बीजेपी की साजिश करार दे रही है। उस उर्दू अखबार को चलाता कौन है ये देश के लोग जानते हैं, किसकी पूंजी लगी है उस उर्दू अखबार में? सिर्फ एक उर्दू अखबार में प्लांटेड न्यूज, वो अखबार वाला वहां इन्वाइटेड भी नहीं था, प्लांटेड न्यूज की कहा जाता है, सुना जाता है, अपने लोगों से छपवा लीजिए, अपने लोगों से कुछ कहलवा लीजिए और कांग्रेस को उसको बदनाम करने की कोशिश कीजिए। देश इस बात सच्चाई को जानता है। हमारे लिए हर जाति हर धर्म के लोगों का आदर है, उनके विचारों का आदर है, हम सबको लेकर चलते हैं। मोदी जी की तरह हम शमशान कब्रिस्तान में, हम कहीं ना कहीं विध्वंस में और जोड़ तोड़ की राजनीति में, बिखराव की राजनीति में, बांटने की राजनीति में वोटों की फसल नहीं उगाते। मुझे तो हंसी आती है कि आज प्रधानमंत्री की खिसियान पर इतनी बढ़ गई है, इतने खिसियाए हुए हमारे प्रधानमंत्री हो गए हैं कि वो फेक न्यूज स्टोरीज के आधार पे और उसकी बुनियाद पे विपक्षी दलों पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं। आपको यहाँ ये बता दें कि 2014 में हाल की समीक्षा के लिए बनी एंटनी कमेटी की रिपोर्ट ने कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम को हार की वजह बताया था, लेकिन इसके बाद पिछले साल गुजरात चुनाव में और पिछले दिनों कर्नाटक चुनाव में मंदिर मंदिर जाकर राहुल ने खुद की हिंदूवादी छवि पेश करने की कोशिश की। अब 2019 से पहले उनकी पार्टी पर एक बार फिर मुस्लिम पार्टी होने का ठप्पा लगाया जा रहा है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।